Hello everyone, welcome to my YouTube channel. As I'm a big foodie and according to my family a great cook too. और किसी ने मुझसे बोला था कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, so मैंने सोचा जो मेरे पास कुकिंग का ज्ञान, टिप्स और ट्रिक्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करके अपना ज्ञान बढ़ा लूं. So let's start with the first recipe of Sagrika. That is the most iconic dish of India, khichdi. As you can see, for that I have taken half bowl of yellow dal, that is moong ki dal, and half bowl of white rice. So isko sabse pehle humne acche se wash kar lena hai. Ek bowl mein leke acche se isko wash karke rinse kar lena hai. अच्छे से वॉश करने के बाद इसको हम प्रेशर कुकर में डाल देते हैं और प्रेशर कुकर में राइस और दाल ऐड करने के बाद हम इसमें डबल से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड कर देते हैं. उसके बाद थोड़ी सी टर्मरिक एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट. सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और श्रद्धा अनुसार ले सकते हैं. फिर प्रेशर कुकर को बंद करके इसको गैस पे चढ़ा दो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द गैस. अब इसमें एक विसल आने तक हम वेट करेंगे, उसके बाद मैं आगे की प्रोसेस शो करूंगी आपको. नाउ यू कैन सी इसमें एक विसल आ गई है, तो अब हम इस गैस को ऑफ करके इसको स्टीम में थोड़ी देर रहने देंगे और तब तक के लिए हम इसका शेजवान तड़का प्रिपेयर करते हैं. सो फॉर तड़का आई हैव टेकन घी, करी लीव्स, क्यूमिन सीड्स, सम स्लिट की हुई रेड चिलीज, अनियन, टमाटो और जो भी वेजिटेबल आपके पास अवेलेबल हो. अभी मेरे पास तो यही है, शेजवान चटनी, क्योंकि हम इसको बना रहे हैं शेजवान खिचड़ी, एंड सम मसाले. सो फर्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 tablespoons ऑफ देसी घी, विच इज मस्ट इन खिचड़ी. उसके बाद जीरा, करी लीव्स एंड रेड चिलीज. करी लीव्स तो मेरे बहुत फेवरेट है, तो मैं इसको हर चीज में ऐड कर देती हूँ. तो अब हम लेंगे अनियन एंड टमेटोज. अनियन और टमाटो लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और अच्छे से कुक हो जाएं. थोड़ा सा स्टर कर दो और जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे उसके बाद हम अपने मसाले ऐड करेंगे. तब तक के लिए खिचड़ी हमारी स्टीम में पड़ी है. अब मैं इसमें ऐड करूँगी टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा पिंच ऑफ ये गरम मसाला मेरा खुद का बनाया हुआ है घर पे, एंड अ पिंच ऑफ ब्लैक पेपर. और इसमें ट्विस्ट देने के लिए मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी शेजवान चटनी, ओनली 1/2 tablespoon. सो आई गेस मेरा तड़का तो रेडी है. चलो हम खिचड़ी को चेक कर लेते हैं. खिचड़ी भी रेडी है. अब हम इस खिचड़ी को ऐड कर देंगे तड़के में. खिचड़ी को मैंने ऐड कर दिया है तड़के में. इसको अच्छे से मिक्स कर लो और उसके बाद जितनी पानी की रिक्वायरमेंट है, जैसी भी आपने खानी है वैसे ऐड कर लो. Isn't it looking amazing? Healthy भी और टेस्टी भी. सो इसमें मैं तो थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ. आपको जैसे भी खानी हो आप अपनी श्रद्धा अनुसार पानी ऐड कर लो. वाओ, द अरोमा इज सो गुड. सो जहाँ आपको इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट लगे खाने के लिए आपके अकॉर्डिंग, वहाँ गैस ऑफ कर दो. और मैं इसको सर्व कर रही हूँ दही और सैलेड के साथ.
So here's the final look. And if you like this video, please like, share, comment, and subscribe. Thank you, everyone.